वीचैट और टिकटॉक पर अमरीकी पाबंदी आरजी तौर पर टल गई। टिकटॉक पर पाबंदी 27 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। कैलिफोर्निया की अदालत ने वीचैट पर पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया है। अमरीकी सार्फिन पर टिकटॉक और वीचैट एप्स डाउनलोड करने पर 20 सितंबर से पाबंदी का ऐलान किया गया था। ताहम सदर ट्रंप की जानिब से ओरिकल, वॉलमार्ट और टिकटॉक के दरमियान होने वाले माहिदे पर इजहार इत्मीनान के बाद अमरीकी महकमा तिजारत ने टिकटॉक के डाउनलोड पर पाबंदी को एक हफ्ते के लिए इल्तवा में डाल दिया। माहिदे के तहत ओरिकल टिकटॉक का काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी पार्टनर बन जाएगी और अमरीका की तमाम सार्फिन के डाटा की मेजबानी महफूज कम्प्यूटर सिस्टम में करेगी। इसके अलावा ओरिकल और मार्क टिकटॉक ग्लोबल के लिए सरमायाकारी भी करेंगी और इन्हें इस नई कंपनी के 20% हिस्से की मिल्कियत हासिल होगी। फरीकैन के मुताबिक नई कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका में होगा और 25,000 मुलाजमतें पैदा होंगी, जबकि माहिदे में $5 अरब का अतिया अमेरिकी तालीम के लिए देने की शर्त भी मौजूद है। अभी इस माहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई क्योंकि माहिदे की मंजूरी के लिए चीनी हुकूमत के दस्तखत भी दरकार होंगे और इन सब अवामिल को देखते हुए टिकटॉक पर पाबंदी को 27 सितम्बर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी जानिब कैलिफोर्निया के एक जज ने वीचैट पर पाबंदी के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि अमरीकी हुकूमत ने कौमी सलामती के खतरात का जिक्र किया है मगर ऐसे शवाहिद ना होने के बराबर हैं जिनसे साबित हो कि वीचैट पर पाबंदी इन खदशात को दूर करने में मौसर साबित होगी।